हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और मैं हूं भरगेन का शेफ। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपी लाया हूं जिसका नाम है एग फ्राइड राइस। आज मैं आपको बताऊंगा कोरियन स्टाइल में एग फ्राइड राइस कैसे बनाएं और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। बहुत ही आसान रेसिपी लेके आया हूँ मैं आपके लिए। अब मैं आपको उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए दिखाता हूँ। दोस्तों, कोरियन फ्राइड राइस बनाने के लिए हमें उबले हुए चावल, रिफाइंड तेल, नमक, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, अदरक और सोया सॉस और अंडे की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताता हूँ, हमने सबसे पहले ऐसा एक डिप बॉल लेना है। डिप बॉल के अंदर आप ऐसे राइस डाल दें। ये बहुत ही डिफरेंट और अलग रेसिपी है और आसान भी है। और इसमें हम एक तीन अंडे आपने तोड़ देने हैं। इसमें ये देखिए, इस तरीके से अंडे राइस के अंदर ही आपने डाल देना है और इसको मिक्स कर लें अच्छे से। ये देखिए, इस तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही अलग रेसिपी है। इस तरीके से आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने नॉन स्टिक पैन यूज करना है। नॉन स्टिक में आपने आग लगा देनी है इस तरीके से, गैस में। ये देखिए, इस तरीके से आपने आग लगा दें। आग लगाने के बाद हम इसमें थोड़ा रिफाइंड ऑयल डालेंगे। ये देखिए, रिफाइंड ऑयल आप इस तरीके से डालें और इसमें थोड़े से अदरक, इस तरीके से आपने अदरक डालने। ये देखिए, उसके बाद जब ये हल्के से गर्म हो जाएंगे, दोस्तों ये देखिए, अब अदरक गर्म हो चुका है ऑयल और अदरक लाल हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने राइस और अंडा फेंट के रखा है वो इसमें आपने डाल देना है। ये देखिए, इस तरीके से, और इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स करें। ये देखिए, जैसे आप भुर्जी बनाते हैं इस तरीके से आप बनाएं। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। इसमें थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सफ़ेद मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक, बस और कुछ नहीं डालना आपने, और इस तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए, और इसमें अदरक है तो अदरक का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, अब ये होने वाला है। अगर आपके राइस पुराने भी हैं, अगर राइस आपने रात में बनाए और वो बच चुके हैं, ख़राब होने वाले हैं और चिपके हुए हैं, आप उसमें अंडा डालें और इस तरीके से मिक्स कर लें। उसके बाद में फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस ऐसे बना लें। ये बहुत ही आसान और अच्छी रेसिपी है। और जो राइस आपके चिपके हुए हैं वो अंडे की वजह से सारे खुल जाएंगे। इस तरीके से आप बनाएं। दोस्तों, अब ये हो गया है। मैं इसको आपको कढ़ाई में डाल के दिखाता हूँ। दोस्तों, इस तरीके से आप जिस बॉल में आपने खाना है या सर्व करना है इस तरीके से निकाल लें। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा हुआ है। दोस्तों, आपने देखा, मैं आज आपके लिए कोरियन स्टाइल एग फ्राइड राइस लेके आया और बहुत ही आसान और अच्छी रेसिपी लेके आया। अगर आपका राइस बचा हुआ है रात का और आपका खाने का मन नहीं हो रहा है, आप सुबह में या कभी भी उसको इस तरीके से एग फ्राइड राइस बना लें। मैं ऐसे ही आपके लिए बेहतरीन और अच्छे और आसान रेसिपी लेके आऊँगा। मेरा वीडियो आपने आखिर तक देखना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।